आप घर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं खुद कराऊंगी आप लोगों की शादी। बतंगो नहीं मैं, मेरे में भी मते कोरी ना, मेरे पे दूसरों की सुनी जानी ना। रेंदे बस गोलू टका नहीं कर फोन में पैसे को नहीं थे। मैंने कल फोन किया था, फिर मैंने अपनी मम्मी का फोन में रिचार्ज करवाया। राम राम जी सारे ने, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो गुन्नू देखिए भाई, आज इसकी छुट्टी है, 2-3 दिन की छुट्टी ले ली इसने। और सुबह सुबह ही नहीं कहा मम्मा मैं तो कार्टून देखूंगा, मन तो और कुछ काम में को नहीं है ना बेटा। राम राम, राम राम गुन्नू। देखिए फोन लो लिया कि कहीं मेरी मम्मी नहीं ले ले, और मैं ना ली दो ली डुगू भी ना लिया, पर कनिष्क नहीं ना अभी तक ना नानी। क्यों माँ आएगी आज? आज भाई मेरी मम्मी भी आने वाली है। मेरी मम्मी के फोन में पैसे को नहीं थे, मैंने कल फ़ोन किया था, फिर मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन में रिचार्ज करवाया। तो मेरी मम्मी को भी थी मैं कल नहीं आऊँगी, मैं कहा ठीक है सुबह आ जाइए, शाम तक तो पहुँच ही जाऊँगी क्योंकि भाई दूर करनी है। और मेरी दादी बोली तुम भीतर रह लो, गर्मी इतनी हो रही है नहीं आज, बाहर इतनी धूप आ रही, बाहर तो मन ही नहीं करता जाने का। और मेरी दादी का भी मारे की तरह छाले पड़ गए और जीप भी सूझ रही है मेरी दादी की। दादी का बेटा मारे तो ठीक होगी जीप, मतलब इब 90% में, मतलब 100% में 10% रह रही मुँह में छाले, बाकी तो ठीक हो गया। कम से कम 10-12 दिन हो गए मेरे कंटिन्यू छाले पड़ जा रहे हैं और इतना दर्द सहन कर रहा है। तो भाई मारा डुगू भी आ लिया है बाहर तक घूम फिर के, और पसीने में सारा भीज रहा है इसके भी, मेरे एक तरह इतने पसीने आ हुए हैं बहुत ज्यादा हैं। काओ 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 क्या रंडा को काओ काओ राम राम जी छाया रहा मैं काओ काओ। ये बाहर गर्मी में खेल का आया, इसका दादा ले रहा था ये सारा भीज पड़े हैं। और देखिए इसके बाल भी इसे बनेंगे नूडल्स की तरह, सीधे बाल को नहीं इसके, मतलब करली बाल बनेंगे इसके, ठीक है इसके बाल, बाल सही है। लाल मेरे लाडो की लाल सारी छाती पे दी लाड़ो नहीं बंद होंगे इसके तो कई दिन जाए रोए भी जाके वो यार वह है सर्द। 3 बार बदल लिए कपड़े और एक बार तो नुआया ये फिर बोर्ड कमी देखी के बुरा हाल कर दिया। अच्छी लाड़ो सी अच्छी अच्छी दादी का भी मन नहीं लगता। आराम कोई नहीं मैं खिला लूंगी, तो आराम से बैठ ले, पहले ही तबीयत खराब हो रही। आजे पूरा खेल लेगी, खेल ले। मेरी दादी का भी मारे तरी हो गया, मेरा मुंह खराब हो गया। तो ये नहीं हुए हो आज कल गर्मी आ में सारा दिन इसके खिलौने थे तुम इस खेल ले। भाई ने देखे के कर रखा खुद तोड़ा गया दूसरे कमरे में, कहा मम्मा मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना मैं तो कार्टून देखूंगा, मगर देख ले बेटा कार्टून। मैं भी काम करके मगर कपड़े पड़े धोने के लिए मशीन तो लगा दी, धो गई ठीक है नहीं क्योंकि शाम ने धोऊंगी, इतनी तबीयत खराब मतलब गर्मी में तबीयत तो कई गर्मी हो रही है। देख के आऊँ एक बार पानी भी पी के आऊँ क्योंकि पूरे तो पता नहीं लगता लाइट बाज जाए क्योंकि इन्वर्टर का कनेक्शन है रसोई में, कौन इन्वर्टर का कनेक्शन तोड़े देख के आऊँ। तो मैंने सोची घिया ही बनाऊ, उधर तो है बैंगन भी परसों के, पर परसों हमने बैंगन खा दिए थे थोड़े बच गए थे गणे ले आए, पर मैंने इसी ला दिया घिया भी खराब है क्योंकि आजकल घिया इसी पावर बेकार। इसने घिया दिखा है कदसी मैं इसने खदरे तो मगा गर्मी तो पहले ही दूर था, पहले ही जल्दी जल्दी काम बन जाएगा नहीं, फिर आराम से बैठ जाए मम्मा आराम से बच्चों के साथ ना, बच्चे परेशान होंगे फिर तो रोंदा रो आई हो पड़ती है में तो ले पूने देखिए पूने इसका नोज साफ कर कपड़ा मैं दे दिया था मैंने इसका स्पेशल ले करूं माल बाबा ए बाबा। अरे ये मोनी मानी मम तो इसे लागे सी है यार ये आज कल की सी पाए कर है नु लागे है जो पक्की है लतर लतर दिल दिल सी हां नी में पाए कर है गर्मी में होते ये दर दरी कई कई दिन नी में पड़ी रहा कोशिश तो मत आदी तोड़ के जावे है। हां बेकार है पहले ही पता लग रहा है इनका तो बड़ा ज्यादा तैली थी लग सा चाची ने बनाई थी कल वो भी नहीं स्वाद बन रही थी नहीं आज कल की गर्मी की या बेकार हाँ बढ़िया ही कोनी होता कुछ भी आजकल कल टमाटर देख 100 रुपए किलो और भी हुआ है बात है भी लेने वाले तो ले हुए हैं जिसने खाने हैं एक गरीब गरीबों को लेकर खावा है
इसी मंगाई ना तो गुन्नू लिया कल चाची के ठाक है चार टमाटर मका पीटे की ना दो नाशपाती लिया था चार टमाटर फ्रिज में तो काट लिया होगा क्या वह है वो आपका पाछा चीज ना ओड़ी थी तो भाई मैंने कपड़े धो लिए और साथ में सब्जी भी बना ली पहले सब्जी बनाई फिर कपड़े धोए और ये भी उधर झाड़ू करूँगी थोड़ा सा ये पानी आ गया नीचे तो सबसे पहले कपड़े सुखा दूँ जल्दी जल्दी और गैस भी बंद करना था बस एक दो सिटी और लग जाएगी और बच्चा सोआ एक बजे फ़ोन लिया इतना रोआ गुन्नू कहा मैंने फ़ोन दे मम्मी मैंने फ़ोन दे नहीं मैं कुकर नीचे गिरा दूँगा ये पता नहीं दुकान में गया बता नहीं अंदर ही मैंने तुझे खेल उसके बाद मैं कहा तू फ़ोन ही पकड़ ले मैं तो बिना फ़ोन की रह लूँगी जल्दी जल्दी बच्चे के कपड़े थे आज तो बस मेरा तो लोअर टी शर्ट थे दो टी शर्ट थी और दो लोअर थे बस तो ये जल्दी कपड़े सुखा दे ज़्यादा तुम्हारे डुक्कू के कपड़े हो क्योंकि लाल इतनी आ उसके इतने बदलने पड़ा दिन में बहुत ज़्यादा कपड़े ये पजामी ले आई थी मैं उसकी 100 रुपये की पाँच पजामी चार पजामी ले आई थी इतनी बढ़िया पजामी आ रही है फिर मैं 100 की चार तीन पजामी ले आई थी इतनी बेकार इतना बेकार कपड़ा था सब बहुत ही ज़्यादा अरे कपड़े भी सुखा लिए सब्जी भी बना ली इवन रह रहा बस रोटी बनानी और लस्सी बनानी मेरी दादी वास्ते तो मैंने सुबह रोटी बना दी थी मेरी दादी सुबह खाए करें एक रोटी तो मैं कहला दादी बनाई लो जी तो करे भाई दादी ने कोई मैंने भूख को नहीं मगर जब सुबह रोज ब्यास है भाई मेरी दादी ने खान का तो भाई खाए करे मैं कहला एक दो रोटी बना लूँ तो गुन्नू वास्ते बनाई थी दादी वास्ते मैं कोई तड़के खाए कर दी बस 12-1 बजे भूख लग गया मैं ठीक है दादी ये भी बनाऊंगी मैं तो रोटी मकाई और लस्सी बना लूँ जल्दी जल्दी दही जमाओ रोज गुन्नू भी नहीं कहो मम्मा मेरे को लस्सी पीनी है मैं कहला बताई भी बनाऊंगी कहती है लस्सी फिर जल्दी जल्दी लस्सी बना लूँ फिर उसके बाद मैंने तो तड़की के बाल धो रखे बाल खोल के भी देखे बाल सुखाऊँ कंघी करूँगी फिर उसके बाद बाल बाट है रोटी बनाऊंगी घर में तो नहीं हुई हूँ अभी काम काम तो देखो करना ही पड़े चाहे कुछ मर्जी हो इधर कई काम हो और तो बड़ी विकास करने आप लोगों ने भी देखा था कितनी तेज धूप आ रही थी आज पर एकदम इतनी बारिश आई मैं जी उन्हें सुलाने चली गई अंदर जब तक बाहर आई बिल्कुल अंधेरा हो गया और गुन्नू के कपड़े खोल दिया था सुने अभी मजे कर रहे हैं और काम नहीं कर रहा है अभी टीचर देखिए कितना हो फिर मैंने दिहाड़े हो गए अपना काम तो कर ही इतनी मस्ती रोज जब बारिश आनी मन तो ऐसा कर बारिश हो पर किसी से अगर मैं भाई ऐसा हुआ कमेंट करके जरूर चाहिए सबके अगर मैं नहीं हूँ गाँव हमारी मारे हुआ तो भाई मैं बहुत ज़्यादा भीज गई थी मैंने सारा धोया बाहर आप लोगों को बाहर का भी दिखाऊंगी पर उससे पहले मैं चाय बनाने लग रही हूँ तो मेरी मम्मी भी आ गई है तो मैं मम्मी को जल्दी जल्दी अब चाय बना दूँ मैंने आज 3 बजे की चाय जो 3 बजे चाय बनाया कर वो बनाई को रही थी तो गुन्नू दादी ले रही थी और मैंने सारा धोया बाहर का 1 घंटा लग गया पूरा शुक्र है भगवान का पानी आ गया था जल्दी लाइट आ गई थी ना दी सब बारिश आनी शांत लगनी लाइट आनी शांत लग तो लाइट भी जल्दी आ गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी सारा धो दिया था चाय बनने लग गई है इनके लिए चाय बना दूंगी उसके बाद में भी थोड़ा बहुत काम तो रह गया पानी भरना बर्तन साफ करने पर एक बार सारे को और झाड़ू देना मतलब बाहर को सूखा सूखा कर दूंगी दादी कुछ सो रही है साली भाई गई है दादी ने चलते
और दादी ने खाना बना के दादी से देती है और मैं उड़े कर लूंगी अपने कमरे के। इन बच्चों ने देखिए कड़े पड़ रहे, इतने में सारे कर देंगे उड़े तो साफ करूंगी फिर उड़े पड़ जाएंगे। देखिए उल्टे काम ना करो, मैंने भी छोड़ रखे मकई कर लियो चौथा ने करना, साफ सफाई तो कर ली क्योंकि इतनी मिट्टी भर रही थी। सुंदर ये किसने दिया इसको? राम राम कर रही हूँ तभी देखिए अपना मैंने अभी झाड़ू पोछा करा, कीड़ी आ जाएंगी उरे पागल। आजा आजा छट्टू आजा, देख 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 यार अय्या आजा जल्दी आजा आजा जा जा। देखिए ने को मैंने नहीं आना, मैंने यही खानी है। आको मिल दे खेलन दे अपनी मर्जी रखना लगी मत माया। बाय जीजा बाय। तो भाई मां ने तो खेलन दे ना, पर थोड़ा सा और साफ कर दो यूं ना पूछे तो। राम राम जी सारे ना मेरी और तो बहन भाई हो ना। पूरे को देख सकते हो आप कितना बुरा हाल हो रहा था। अरिफ देखो धूप निकल गए, भगवान भगवान का माया का कोई वो नहीं है। देखे कितनी धूप निकल गई, मैंने काम करना फिर मैंने काम भी नहीं कर सकती, गर्मी में भी इतनी गर्मी करती। अदीब को दे दूँ मैं अपने दादी के पास। और कर जाओ भगवान जी ने कर दिया बाय। मैं देखिए कितनी धूप आ गई एकदम ही तेज है और इतनी बारिश आ गई ये काम ठीक है, थोड़ा सा सूख सी जाएगा बदबू सी नहीं आओगी फिर बर्तन ले आऊं मैं। ये कौन सा होता यू तब तीव्र आवाज देते हैं, पर वो भी काम करती होगी बेचारी, उसका भी काम हो इस टाइम तो बहुत ज्यादा। और मैंने भी काम करा, मेरे भी बर्तन पड़े दोपहर के बर्तन पड़े। और गुल्लू की साइकिल देखी उन्हें खड़ी कर दी इसने, और आगे का था इसमें सामान दे रहे वो सारा इसने निकाल दिया। इतना शरारती है नी, चाहे कितने खिलौने लिया सारी सीधी सी कर देगा। देखिए मैं तभी ना टिकट को नहीं दूँगा इन्हों का, बाहर चलूँगी और बाहर गली में इतना कीचड़े हुए तो मैंने साफ धो दिए, गली में कौन धोगा इतनी बड़ी गली ने। पानी की पहले ही दिक्कत, पानी ऐसे भी नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैंने तो जल्दी जल्दी कुछ भर रखा था और कुछ टूंटे आ गए थे, जल्दी जल्दी धो लिया था। ये मैं बस चलने हो जाएगी जल्दी बाहर, मेरी दादी परे ने जा रही है बच्चों ने लेके को। मैं तो सारे दिन परेशान हो गई, दादी की तबीयत से भी ठीक हो नहीं। दादी बोली हुई मन सो रहा, मैं दादी कोई बात नहीं आप परे ने चले जाओ, मैं भी काम करके फ्री हुई थी। मैं कहूँ परेशान से हो रही, खुद भी अकेली हूँ घर में, जी सा ही नहीं लगता। मेरी मम्मी भी को नहीं, मम्मी तो चल कहे थी आजूँगी आज, फिर भी वो कौन सी बेचारी कर रहा, उसने स्कूल में जाना पड़ा। आज दो तीन दिन की छुट्टी थी, छुट्टी कर ली और चली गई मेरी ननंद के। अरे कल से स्कूल लग जाएंगे, सोमवार है कल ने, पर मतलब मेरा मन इतना वही हो रहा, बेचैनी सी लग रही ना, जी कर अपने घर बिक जू। मेरी दादी का फोन आ रहा था जा जा, मगर कोई बात नहीं दादी बाल तो आई थी, फिर रोज़ थोड़ी जान भाई इतना लंबा सफर इतना खर्चा, मगर ना ही बाल को नहीं मैं आ सकती। और अपने पति का स्टेटस देखू नहीं मैं रोज़, मतलब फ़ोन में ला मैंने ब्लॉक को नहीं कर रखा, मैं जी तो करे ब्लॉक कर दूँ। मेरी दादी भी को क्यों दान में रखे देखे करे, उन्हें देख देख के इतना रोना हुआ, मतलब रोज देखो ऐसा लगा मेरे गलो तो कुछ था ही को नहीं, जो भी है उसके ही गलो था सब कुछ, मेरा तो बस वही था टाइम पास। मतलब पता नहीं एकदम ही इतना अच्छा बंदा कैसे बदल गया, रोज मेरा ये सोच सोच के मेरा दिमाग भी खराब हो गया। रोज ये बात सोचूँ मैं कि क्या तो करी थी मेरे पति ने शादी, और जब मतलब मेरा पति वीडियो देख लग जा नहीं, मैं ये वीडियो स्पेशल उसके लिए बनाऊँ तो मतलब आप घर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद कराऊंगी आप लोगों की शादी, बस मैंने इस बंधन से मुक्ति दे दे, मैंने मतलब तलाक चाहिए। तो मैं इतनी परेशान हो रही, मैं क्या करूँगी उधर रह के, फिर आप लोग ही बताओ मेरा के पढ़िया ही बुना ना, मेरा पति मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों ने लेकर चली जाऊँगी अपने घर। इतनी तंग हो रही मैं, मेरे में भी मत एक हो रही ना, मेरे पे दूसरों की सुनी जाती ना, मेरे पे उधर रह जाता। मैं ये बात इसीलिए कहने लग रही भाई मेरा पता अगर वीडियो देख लग रहा कोई भी दोनों में से एक जगह तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूँगा तुम दोनों की और तुम खुश रही हो। बस मैंने मैं इतनी परेशान हो रही, मैं तो बस और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तलाक चाहिए ना, मैं कहती मैंने प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने पैसे चाहिए, मैंने गाड़ी चाहिए, मैंने कुछ चाहिए, मेरे तो सारी चीज़ों से जी उतर लिया। मैं इतनी तंग आ रही, मेरे मेरे बच्चे
पापा के लिए तरस है मेरे बच्चनियों को, मैंने मम्मी में पापा कड़ा है, मेरे पापा कड़ा, मैं क्या कहूँ, कब तक झूठ कहूँ मैं अपने बच्चे थे, क्यों तरसाऊँ मैं, हर चीज़ के लिए तरसन लग रहे मेरे बच्चे। नहीं बुझ, जब उसने नहीं अपनी दादी माँ की फिक्र, तो भाई मैं भी क्यों लूँ किसी की बिना मतलब की टेंशन, मेरे मेरे के सारी बात मेरी जिम्मेदारी पड़ रही, मैं तो भी एक मिनट भी उड़ा नहीं रहना चाहती, मैं इतनी तंग हो रही, मतलब कुछ भी नहीं मैं कह सकती, मैं तो ना इतना उरे का मैंने शहाब ना मैंने कुछ पता नहीं, वही बस पूछ पूछ कर करना पड़ा सब कुछ, मैं इतनी मतलब एक एक बात, कोई नहीं किसी का साथ देता ना कोई किसी के कुछ होता, सब अपने मतलब ही है दुनिया, मतलब ये मतलब आप लोग बताओ भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी तबीयत भी इतनी खराब रहने लगी, मेरा बोलिया भी नहीं जानता।